हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू आवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लास्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो यहाँ तक कि हमने जितनी भी वीडियोस कवर किए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज वेल एज यहाँ तक के सभी चैप्टर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके प्ले को थ्रू कर सकते हैं तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तो जैसे हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ठीक है सिंपल सा एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दैट इज लाइट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक है जो कहाँ से आ रही है सन से आ रही है दैट इज अ सन लाइट ठीक है अब क्या सिर्फ यही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं बहुत सारी वेव्स होती हैं जो आपके आस पास है अभी आप रूम में बैठे हो तो आपके आस पास भी बहुत सारी वेव्स हैं ठीक है थीके? जिनको हम देख नहीं सकते चलो जो एक लाइट हमें दिख रही है ठीक है वो तो हमें दिख रही है कि उसमें से वेव्स हैं लाइट है बट कुछ ऐसे भी आस पास आपके वेव्स होती हैं जिनको आप नहीं देख सकते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्रेजेंट नहीं है वो प्रेजेंट है ठीक है जैसे कि एक बहुत बड़ा टावर है मान लो ठीक है इलेक्ट्रिकल टावर है तो आपको आवाज़ आती है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलने की है ना बहुत बड़ी बड़ी वायर्स होती हैं तो वहाँ के आसपास आपको वेव्स दिखाई नहीं देती लेकिन यस आपको पता होता है कि यहाँ पे वेव्स हैं कई बार क्या होता है जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं घरों में वाईफाई नहीं लगवाओ या बड़े से टावर के आसपास नहीं रहो अगर किसी को माइग्रेन है या किसी को हेड रहता है प्रॉब्लम क्यों क्योंकि वो वेव्स कैच होती हैं जिसकी वजह से सिर दर्द होता है जहाँ पर बहुत स्ट्रांग होती है ये सब डॉक्टर्स भी प्रस्क्राइब करते हैं कि ऐसी जगह को अवॉइड करें क्यों क्योंकि वहां आप नहीं देख पा रहे हैं ठीक है तो सिर्फ आप लाइट को देख पा रहे हैं तो सिर्फ एक वही वेव नहीं है वो आसपास और भी वेव्स होती हैं अब उन वेव्स में क्या डिफरेंस होता है उनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट स्पीड होती है ठीक है उन सब के कलेक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं ठीक है बहुत सारे कलेक्शन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं और इन्हीं की वेव्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे किन वेव्स को आप देख पाते हो किन वेव्स को आप नहीं देख पाते हो कौन सी फ्रिक्वेंसी के वेव्स जो होती हैं कौन सी वेवलेंथ की वेव्स जो होती हैं आर दोज विजिबल दोज आर नॉट विजिबल लेट अस स्टार्ट तो अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ ठीक है एंड द डिफरेंट जितनी भी इसके अंदर हैं हम उसके बारे में बात करेंगे हम इनके सिर्फ फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ की ही बेसिस पे उनको क्लासीफाई नहीं करते रफली हम उनको किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं कैसे हम डिटेक्ट करते हैं उन बेसिस पर भी हम उनको क्लासीफाई करते हैं देर आर मैनी वेव्स लाइक रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स इंफ्रा रेड वायलेट अल्ट्रा वॉयलेट रेज एक्स रेज का हमारे बहुत सारी रेज के बारे में, बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास आती हैं रेडियो वेव्स सो फर्स्ट वन जो है आपके पास वो है रेडियो वेव्स तो अगर हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं कहाँ कहाँ कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर अब इसका क्या मतलब है मतलब कि एक वायर में जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं उनकी उनको अगर हम एक्सलरेट कराते हैं वो क्या है रेडियो वो जो वेव्स निकालते हैं वो कौन सी वेव्स निकालते हैं रेडियो वेव्स निकालते हैं मतलब कि एक वायर से जो चार्जेस जा रहे हैं मूव कर रहे हैं फास्ट मूव कर रहे हैं तो उसके आसपास क्या निकल रही होंगी वेव्स निकल रही होंगी दोज आर कॉल्ड रेडियो वेव्स अब आप सोच रहे होंगे वो हमें दिखाई तो नहीं देती ऑब्वियसली हमें नहीं दिखाई देंगी बिकॉज ह्यूमन बींग्स की जो आइज़ होती हैं वो कुछ ही वेव को डिटेक्ट कर सकती हैं जिसे हम एक सुना होगा आपने विजिबल वेव्स है ना विजिबल रेज सुना होगा आपने तो विजिबल को ही हमारी आइज डिटेक्ट कर सकती हैं बाकी किसी भी फ्रिक्वेंसीज़ की किसी लेंथ की वेव्स हम देख नहीं पाते उसके लिए हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं ठीक है आ, बाकी आपको पता ही होगा हमने टेंथ में भी नाइन्थ में भी हमने पढ़ा हुआ है कि दूसरे फ्रिक्वेंसीज़ की वेव्स जो होती हैं हम क्या होता है कुछ लोग जैसे कुछ आ, एनिमल्स होते हैं वो डिटेक्ट कर पाते हैं राइट ह्यूमन बींग्स जो हैं उन वो सिर्फ़ और सिर्फ फिजिबल वेव्स को ही डिटेक्ट कर कर पाते हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे राइट right? तो अगर एक वायर से मूविंग चार्ज निकल रहे हैं तो उसके आसपास वेव्स निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं रेडियो वेव्स कहते हैं ठीक है ये कहाँ यूज़ होती हैं ठीक है दे आर यूज इन रेडियो ऑब्वियसली रेडियो नाम है तो रेडियो एंड टेलीविजन कॉम्यनिकेशन सिस्टम ठीक है टेलीविजन कॉम्युनिकेशन तो यहाँ पर ये यह यूज़ होती हैं राइट right? और इनकी यस, yes, हम सबको किसके बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ की बेसिस पर तो फ्रिक्वेंसी की इसकी रेंज क्या रहती है 500 हंड्रेड किलो हर्ट्स टू अबाउट वन मेगाहर्ट्ज़ मेगा हर्ट्स ये इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है मैं यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखूंगी बिकॉज आपको पता होना चाहिए हर्ड्स जो है वो किसकी ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी की है अगर मैं यहाँ पर आ, वेवलेंथ के लिए लिखूंगी तो वेवलेंथ हम किस में लिखते हैं मीटर्स में लिखते हैं क्लियर है ये बात ठीक है तो ये है फ्रिक्वेंसी नियर अबाउट फाइव टू वन थाउजेंड के बीच में रहती है अब इस रेडियो वेव्स के अंदर बहुत सारी वेव्स आती हैं ठीक है कि एक तो हमने रेडियो वेव को बता दिया अब रेडियो के अंदर बहुत सारे की ए एम एफ एम अब एफ एम तो आप लोगों ने सबने सुना भी होगा ठीक है ए एम एफ एम अब आप कहोगे कि मैम तो हमने सुन रखा है व्हाट इज एम एम वेव्स क्या होती है ए एम का फुल फॉर्म होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड या वेव्स बोल सकते मॉड्यूलेटेड वेव्स ठीक है अब इसका क्या मतलब होता है ये होती हैं थोड़ी कम फ्रिक्वेंसीज की यानी कि 530 थर्टी किलो हर्ट्स टू वन सेवन वन ज़ीरो किलो हर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसीज़ की ये वेव्स होती हैं ठीक है बहुत कम फ्रिक्वेंसीज की वेव्स होती हैं वैसे तो देखो जब एफएम था उससे पहले एएम एम भी यूज़ किया जाता था वही रेडियो के लिए यूज़ किया जाता था लेकिन ये कम फ्रिक्वेंसीज की होती थी जिसकी वजह से अच्छा नहीं सुनाई दिया जाता था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी ठीक है उसके बाद हमारे पास और शॉर्ट वेव बैंड्स की भी वेवलेंथ आती थी, थी। ठीक है इसके बाद ए एम के बाद एक और आई आपके पास शॉर्ट वेव बैंड्स ठीक है शॉर्ट वेव बैंड्स अब इनकी फ्रिक्वेंसीज कितनी होती है इनकी होती है अपटू फिफ्टी फोर मेगा हर्ट्स ठीक है और टीवी रेंज वाली जो होती हैं टीवी रेंज की जो होती हैं टीवी वेव्स जो होती हैं टीवी जो कैच करता है वो 54 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है वो कैच कर लेता है ठीक है अब इसके बाद आती हैं आपके पास एफएम एफएम में क्या होती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाती है आपके पास ठीक है तो एफएम की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड अब इनकी जो रहती है वो कितनी रहती है टू वन जीरो एट मेगा ठीक है ये इसमें रहती है अब देखो वैसे तो ऑब्वियसली हमें पता है टीवी की रेंज सबसे यहां पर ज्यादा आ रही है ठीक है और ऑब्वियसली क्यों क्योंकि पिक्चर क्यों, क्यों, भी कैच करनी है आवाज़ भी कैच करनी है अब यहाँ अगर मैं ए एम की और एफ एम की बात करूँ तो देखो डिफरेंस देखो कितना ये किलो हर्ट्स का है मेगा हर्ट्स का तो यानी कि अगर हम एम से एफ एम पर अगर हम स्विच करें हैं धीरे धीरे तो क्या हुआ है उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी अगर आप जैसे अगर गाड़ी में बैठते हो या फिर कहीं भी एफएम चलाते हो तो आपने देखा होगा उसका जो लास्ट सिग्नल होता है वन ज़ीरो सेवन पॉइंट सिक्स सेवन एट नाइन तक कैच कर रहे होते हैं है ना वन जीरो सेवन पॉइंट या तो सिक्स सेवन एट नाइन इनमें से कोई ना कोई एक लास्ट एक कैच कर रहा होता है जिसमें आपको साउंड अच्छी मिल रही थी इसके बाद का आपको कोई भी चैनल नहीं मिलेगा ठीक है तो ये चीज होती है आपके पास ये है रेडियो वेव्स ठीक है जो इस तरीके से पार्टिकल्स कोर और एक्सलेट करा के हम उसमें से प्रोड्यूस होती हैं उनको हम ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं मेजर फ्रिक्वेंसी रेंज ये रहती है उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट जो बैंड्स होते हैं उन डिफरेंट डिफरेंट वेव्स के डिफरेंट जगह पे यूज़ किए जाती हैं ठीक है तो ये था ऑल अबाउट रेडियो वेव्स वन मोर थिंग अब यही जो रेडियो वेव्स होते हैं जो आप फ़ोन यूज़ करते हो है ना एक दूसरे से बात करते हो बिना वायर के बात करते हो तो उसके अंदर भी जो वेव्स होती हैं ट्रांसमिट जो हमारी वॉइस को कर रही होती हैं वो भी रेडियो वेव्स ही होती हैं ठीक है ठीके? अब इनकी उनकी कौन सी फ्रिक्वेंसी होती, होती है उनकी होती है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यू एच एफ अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी अब वो फ्रीक्वेंसीज के बारे में डिटेल डिस्कस हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे ठीक है यहां पे आपको पता होना चाहिए कि फोन वाला भी जो ट्रांसमिशन हो रहा होता है वॉइस का वो भी ये वो भी रेडियो का ही हो रहा होता है ठीक है अब इसके बाद सेकेंड वेव्स के बारे में हम बात करते हैं आर माइक्रोवेव्स सो द सेकेंड काइंड ऑफ आर माइक्रो सो माइक्रोवेव्स की अगर हम बात करें तो <clears throat> ये जैसे हम रेडियो वेव्स की बात करें थे वो सारी मेगा हर्ट्स में थी ये अब आ जाती हैं आपकी गीगा हर्ट्स के अंदर सारा का सारा इनका रेंज आ जाता है ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं पहले तो इसकी रेंज जो आ जाती है वो मेगा हर्ट से आ जाती है आपकी गीगा हर्ट्स पे आ जाती है ठीक है उसके बाद ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं प्रोडक्शन या सोर्स ऑफ प्रोडक्शन इनका क्या है ये एक स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स से क्रिएट होती हैं जिस जिन ट्यूब्स का नाम यहां मैं लिख रही हूं क्लिस्ट्रॉन्स मैग्नेट्रॉन्स ठीक है गन डायोड्स, ओके अब यहां पर क्या होता है ये गीगा हर्ट्स की रेंज की होती हैं फ्रीक्वेंसी देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उसकी कम होती जाती है ये आपको छोटे स्टैंडर्ड में आपको पता होगा जैसे कि हम फॉर्मूला क्या लगाते थे स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी ये लिखते थे ना या यहाँ हम सी लिख देते सी इक्वल्स टू लैमडा इंटू वी अब यहाँ से आप देख पा रहे हो अगर ये नीचे जाएगा तो फ्रीक्वेंसी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो यू शुड नो दैट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ठीक है तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज़ की रेंज बढ़ती जाएगी उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी होती जाएगी ठीक है तो इसका माइक्रोवेव्स जो हैं वो स्पेशली बनाई जाती हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उनकी रेंज गीगा हर्ट्स में रहती है और ये उनकी प्रोडक्शन की ट्यूब्स होते हैं वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं है, स्पेशल ट्यूब्स होती हैं ठीक है थीके? ये वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे वन वन मास से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी रेडियो के बारे में बताया है तो यहाँ वन वन मास से क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं राइट अब अगर हम बात करें कि हमने कह दिया कि इनकी क्या होती है शॉर्ट वेव होती है है ना शॉर्ट वेव होती है तो शॉर्ट वेव लेंथ के अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये कि इसको हम किस में यूज कर सकते हैं रडार के लिए यूज कर सकते हैं रडार के लिए ठीक है रडार सुना भी होगा रडार की फुल फॉर्म लिखो पहले तो यहाँ पे रडार की फुल फॉर्म क्या होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ठीक है वैसे तो एंड ना ए एंड डी वाले लगाते हैं ताकि पता चल जाए यहाँ पे एंड रेंजिंग ठीक है ये रडार के लिए यूज़ की जाती है देखो होता तो ये भी रेडियो ही रेडियो वेव्स ही होती हैं लेकिन वो वेव्स किस में आ जाती हैं आपकी आ, मेगा हर्ट्स में उन्हीं की ही थोड़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी थोड़ी सी कम वेवलेंथ लेंथ होगी उनका ही नाम जो हो गया वो माइक्रोवेवस हो गया और उनको हमने गीगा हर्ट्स में ले आए ठीक तो एक्चुअल में ये हो क्या रहा है इनकी शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से हम इसको रडार में यूज़ कर सकते हैं जिसका फुल फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग अब इसका काम क्या होता है ये आपने सुना भी होगा ये आपके यूज़ आते हैं एयरक्राफ्ट नेविगेशंस के लिए ठीक है या फिर जो शिप्स होती हैं ठीक है थीके? जो शिप्स होती हैं वाटर शिप्स होती हैं उसकी नेविगेशन के लिए कि कहाँ पर हैं एट दैट पॉइंट कहाँ पर है ठीक है थीके? जैसे आप लोग बैठे होते हो तो हम कहते हैं ना बहुत सारे हमने सुन रखे हैं अरे पायलट तो बैठा होता है बस अपनी सीट पर वो तो मेन कंट्रोल ही काम चल रहा होता है उसे वही बता रहा होता है कंट्रोल रूम ही बता रहा होता है कि यहाँ पर ऐसे जाएगा यहाँ पर ऐसे जाएगा तो पायलट तो बस बैठा होता है बट एक्चुअल में क्या होता है वो दोनों आपस में क्या कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेट बिठा रहे होते हैं और उनको पता होता है जो कंट्रोल में बैठे होते हैं उन्हें पता होता है कि एक्चुअल में इस टाइम प्लेन कहाँ पर है ठीक है उनको पता होता है उस टाइम प्लेन की क्या सारे के सारी इंफॉर्मेशन है कितनी स्पीड कितनी स्पीड पर चल रहा है कहाँ कहाँ पर है और कि कहाँ टर्न लेना है ठीक है तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इसी से ही पॉसिबल है रडार सारी इंफॉर्मेशन देता है चाहे वो एयरक्राफ्ट की हो चाहे वो शिप्स की हो अभी जैसे मैंने स्पीड की बात करी ठीक है तो रडार जो है वो स्पीड गन्स में भी यूज़ होता है ठीक है स्पीड गन्स में भी अब स्पीड गन्स एक तो चलो इसकी नेविगेशन के लिए होगा कि कितनी स्पीड में चल रहा है ये वो सब चीज़ें एक स्पीड गन्स ये जो चलान कटते हैं ना सामने से कई बार वहाँ पे बैठे होते हैं है ना और एक बड़ी ज़्यादा अगर गाड़ियाँ स्पीड से जा रही होती तो उनकी स्पीड गन के अंदर आगे वो आ जाता है सिस्टम पूरा का पूरा ये ज़्यादा स्पीड में गई है वो स्पीड डिटेक्ट कर लेती हैं तो, तो उन्हें हम स्पीड गन्स बोलते हैं तो स्पीड डिटेक्ट कर लेती हैं क्यों उनमें से जो वेव्स निकल रही होती हैं वो इस तरीके से यूज़ में आती हैं ठीक है थीके? तो ये सारा का सारा सिस्टम इनके ये यूजेस के अंदर रहता है ठीक है ऑल्सो अगर हम नॉर्मल जैसे देखते हैं मैच वगैरह देखते हैं तो टेनिस बॉल की स्पीड कितनी से चल रहा है या क्रिकेट की बॉल की स्पीड कितनी से चल रहा है तो उससे भी हम ये से निकाल सकते हैं ठीक है चलो ये सब चीज़ें तो हो गई अब अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की तो सबसे मेन बात तो हमने माइक्रोवेव जो हम घरों में यूज़ करते हैं उनके बारे में तो हमने बात ही नहीं करी एवंस जो हम यूज़ करते हैं है ना तो यहाँ पर आता है माइक्रोवेव एवंस में ये कैसे यूज़ करते हैं माइक्रोवेव अवन्स ये एक इसकी डोमेस्टिक एप्लीकेशन है जो हम घरों में यूज़ करते हैं ये क्या होता है एक्चुअल में देखो हमने एक ये बना दिया माइक्रोवेव ठीक है और यहाँ पे हमने एक रख दिया बॉल ठीक है और इस बॉल में मैंने डाल दिया वाटर और वाटर के अंदर मैंने रख दिए कुछ पोटैटोज रख दिए मान लो ठीक है कुछ पोटैटोज रख दिए उनको बॉयल होने के लिए कई लोग करते भी हैं ऐसा है ना बॉयल करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं मान लो तो क्या होता है एक्चुअल में ये माइक्रोवेव ओवन जो होती है ना वो इस तरीके की फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स इसके ऊपर सेट कर रहा होता है ऐसी वेव्स इसके अंदर चली जाती हैं कि इन वाटर की फ्रिक्वेंसी वाटर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है वो मैच कर जाती है अवन की फ्रीक्वेंसी से अवंस फ्रीक्वेंसी तो याद करिए ये हमने पढ़ रखा है इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में जब एक भेजी हुई फ्रीक्वेंसी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन है ना रेजोनेंट तो जब ये फ्रीक्वेंसीज जो भेजी जा रही हैं दोनों तरफ से ठीक है ये फ्रिक्वेंसीज मैच कर जाती हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्रिक्वेंसी से तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उससे में ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं उस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं ठीक है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है उनकी कनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो ऑसिलेट करना शुरू करेंगे और जैसे ही उनकी कनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका राइज हो जाएगा तो वाटर की वजह से टेम्परेचर जो राइज हो जाता है उसमें हम क्या करते हैं उसकी वजह से हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है कुक हो जाता है और हम पानी इतना तो भी नहीं डालते इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा डाल दिया थोड़ा सा हम पानी डालते हैं तो वो सारा इतनी जोर से आउसोलेट होता है वो सारा ही निकल आएगा ठीक है हल्का सा इनको नीचे नीचे तक रख के अपना उत, उसके अंदर ऑलरेडी इतना स्टार्च होता ही है ठीक है उनके अंदर खुद इतना वाटर होता है तो वाटर मोलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते रहते हैं एकदम ऑसिलेट करते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है कुक हो जाता है हमारा फूड तो ये माइक्रोवेव्स ये फ्रिक्वेंसीज इसके अंदर भी यूज़ की जाती हैं तो जब फ्रिक्वेंसीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैच कर जाती है भेजी और फ्रिकुंसी से दे ऑसिलेट कनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज टेम्परेचर इनक्रीज फूड गेट्स कुक ठीक है तो ये था माइक्रोवेव्स के बारे में जिसके बारे में हमने बाहर की भी एप्लीकेशंस पढ़ ली अपने डोमेस्टिक भी पढ़ ली नेक्स्ट वेव्स आती हैं इंफ्रा रेड वेवस लेट अस डिस्कस सो द नेक्स्ट वन इज़ इंफ्रा रेड वेव्स ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं सबसे पहले तो ये कैसे प्रोड्यूज होती हैं प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स हॉट बॉडी एंड से प्रोड्यूस होती हैं मतलब कि जहाँ कहीं भी बॉडी जो है वो हॉट होगी ठीक है और जो उसके मॉलिक्यूल्स हॉट होंगे तो उसमें से एक वेव्स निकल रही होती हैं कॉन्टीन्यूसली वेव्स निकल रही होती हैं ठीक है ठीके? और वो जो वेव्स होती हैं वो ऑब्वियसली हम नहीं देख पाएंगे ठीक है हम नहीं देख पाएंगे क्यों क्योंकि हमारे हमारी देखने वाली फ्रिक्वेंसीज़ में वेव्स ये नहीं आती हैं क्लियर है ये बात ठीक है तो ये थोड़ी सी और उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है ठीक है और और वेवलेंथ रेंज इनकी और नीचे आ जाती है ठीक है तो अगर हम नियर अबाउट बात करते हैं वेवलेंथ रेंज की इनकी हम हाँ, माइक्रोवेव की भी नहीं लिखी ना हमने माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ रेंज रहती है उनकी जो वेवलेंथ रेंज रहती है वो रहती है जीरो पॉइंट वन मीटर टू वन मिलीमीटर और सिमिलरली अगर जैसे मैंने यहाँ पर इनकी फ्रिक्वेंसी की बात करी इसकी अगर हम वेवलेंथ रेंज की बात कर लेते हैं तो इसकी वेवलेंथ रेंज ग्रेटर देन 0.1 मीटर होती है इतनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है ठीक है तो ये हो जाएगी 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर mm हो जाएगी अब इंफ्रारेड की बात करें तो ये ये आ जाती हैं 1 मिलीमीटर mm टू 700 नैनोमीटर की रेंज में आ जाती हैं ठीक है ठीके? अब क्या होता है एक्चुअल में लो फ्रिक्वेंसीज ठीक है इनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो क्या होती हैं ट्रिम, 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 ट्रिम। तो ये हो जाती है इसकी वेवलेंथ की रेंज आ जाती है ठीक है अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम इंफ्रा वेव्स को कई बार हम हीट वेव्स भी रेफर करते हैं हीट वेव्स आजकल तो बहुत कॉमन है है ना हीट वेव्स आ रही हैं, हीट वेव्स आ रही हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है ये हीट वेव्स क्या होती हैं तो सोचो देखो क्या है ये हमारा सरफेस है अर्थ का ठीक है और यहाँ पे क्या है एक एटमोसफियर है ठीक यहाँ से है सन है जो कंटिन्यूसली क्या है यहाँ पे रेज आ रही हैं ठीक है कंटिन्यूसली रेज आ रही हैं कंटिन्यूसली वो लाइट भेज रही हैं तो क्या होता है इतनी गर्मी पड़ती है इतनी गर्मी पड़ती है तो वो सारी की सारी गर्मी कहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है इस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है ठीक है इस सरफेस पे ऑब्जॉर्व हो जाती है अब ये सरफेस क्या हो जाता है हॉट हो जाता है अब हॉट ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें से क्या निकलेंगी उसमें से निकलेंगे इंफ्रा वेव्स निकलेंगी ठीक है और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सीओ टू प्रेजेंट है एनएच थ्री प्रेजेंट है एटसेक्ट्रा ये सब प्रेजेंट है अब ये सब क्या कर लेते हैं इन वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये सारे के सारे इन इंफ्रारेड वेव्स को ठीक है अब जैसे इनको वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगे ये भी क्या हो जाएंगे इनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे हीट अप हो जाएंगे दे विल गेट हीट अप और हीट अप होने के बाद ये हमारे सराउंडिंग्स को क्या कर देते हैं हीट अप कर देते हैं हमारे सराउंडिंग्स को ठीक है तो एक्चुअल में हीट वेव्स का ये बात है तो डायरेक्ट हमें सन से ऐसे थोड़ी हीट वेव्स आ रही हैं वो हमारे सरफेस पे तो ज़्यादा गर्म बाहर जा सकते हो आप ऐसे नहीं जा सकते ना बाहर हम जाते हैं तो बिना ऐसे बेयर फुट तो नहीं जा सकते बेयर फुट जाओगे तो कैसे सबसे पहले तो आप पैर ही जले जाएंगे क्यों क्योंकि सबसे पहले तो सरफेस ही हॉट होता है वहाँ से वेव्स निकलते हैं वो वेव्स इंडिया एब्जॉर्ब करते हैं तो जिसकी वजह से हमें आसपास सारी चीज़ें गर्म होती हैं ठीक है अब सेम इसका एक और रीज़न मैं आपको बताती हूँ ये तो चलो आजकल की वजह से ज़्यादा हीट वेव्स आने लगी हैं ज़्यादा गर्मी होने लग गई है तो बेरेबल नहीं होता है ठीक है वो तो चलो इन्वायरमेंट कंडीशन हैं ये सब चीज़ें हैं अगर इन्वायरमेंट कंडीशन सब सही होती पहले के जैसे ठीक है मैं 100-200 साल पहले की बात कर रही हूँ तो रात के टाइम पे ना जो टेम्परेचर होता था ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता था यानी कि रात बहुत ठंडी हो जाती थी और थैंक्स टू दीज ग्रीन हाउस गैसेज या फिर दीज मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो अगर ये ना होते तो क्या होता रात का रात के टाइम पर जब ये सब वेव्स नहीं थी ठीक है जब ये हीट ही नहीं थी तो क्या होता सब ठंडा हो जाता अगर ये मॉलिक्यूल्स ही ना होते तो सब ठंडा हो जाता इतना ज़्यादा रीजन ठंडा हो जाता कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते ठीक है तो ये मॉलिक्यूल्स तो हमारे इन्वायरमेंट में रहते ही रहते हैं सुबह अब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट देते रहते हैं हीट देते रहते हैं रात में भी यही मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनमें से हीट निकलती ही रहती है तो जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है रात का वो बैलेंस्ड रहता है और हम सर्वाइव कर सकते हैं अगर ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो ये हीट कैसे देते हैं इन्वायरमेंट को सुबह तो चलो चल जाता इनकी वजह से चलो हीट हमें मिल रही होती बट तो रात के टाइम पे क्या होता तो इसीलिए टेम्परेचर बैलेंस जो होता है वो इन्हीं की वजह से होता है ठीक है अब इनके जो मेन यूजेस हैं वो क्या हैं इफ़्रा जो ये यूज़ होती हैं ये सैटेलाइट्स के लिए यूज़ में होती हैं ठीक है सैटेलाइट्स जो होती हैं दूर से उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इनफ्रा रेड डिटेक्टर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इन सैटेलाइट्स में ठीक है दूर दूर कहाँ पर सैटेलाइट हमने भेजी है राइट right? वहाँ से हम देख सकते हैं इनको मिलिट्री पर्पजेस के लिए ऑब्वियसली सैटेलाइट्स हैं तो उनको हम किसके लिए यूज़ करते हैं मिलिट्री पर्पजस के लिए यूज़ करते हैं ठीक है और मिलिट्री uh, पर्पस हो गया या फिर कुछ एनवायरमेंट कंडीशंस होती हैं उनके लिए हो गया या फिर जैसे कि बड़ी बड़ी ग्रोथ देखनी है आपको क्रॉप्स की देखनी है ठीक है ग्रोथ ऑफ़ क्रॉप्स हो गई ठीक है इन्वायरमेंट कंडीशन होगी वेदर कंडीशंस हो गई इन सब के लिए सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं और सैटेलाइट्स जो होते हैं इंफ्रारेड डिटेक्टर्स जो होते हैं वो उनके अंदर यूज़ किए जाते हैं ठीक है वो वहाँ से निकल रही होती है रेज जब गर्म कोई चीज हो जाएगी तो वहाँ से डिटेक्ट निकल रही होंगी वेज और उसके अंदर किसमें होते हैं सैटेलाइट में सैटेलाइट में क्या प्रेजेंट है इंफ्रारेड डिटेक्टर्स प्रेजेंट है तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है ठीक ये हो गया यहाँ पर और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जैसे घरों में जो होते हैं रिमोट्स होते हैं ठीक है रिमोट्स के अंदर ये यूज़ की जाती हैं टीवी सेट्स होते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्डर्स होती हैं उनके अंदर होते हैं टीवी हो गया ठीक है वीडियो रिकॉर्डर्स हो गया एक हाई होता है एक हाई सिस्टम क्या होता है ठीक है हाई सिस्टम होता है आपका उसकी मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ हाई की होती है हाई फैडिलिटी ऑडियो होती है एक्चुअल में ये ऑडियो के बारे में बात हो रही होती है ठीक है इस ऑडियो में क्या होता है नॉइज़ नहीं आती है ठीक है ये ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इंफ्रानेट यूज हो रही है कैसे यूज़ हो रही है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है इतना डीप में नहीं जाना वो सब साइंटिस्ट का काम है वो किस तरीके यूज़ करते हैं बेसिकली इंफ्रारेड रेड जो है वहाँ पे यूज़ की जाती हैं इसके अंदर क्या होता है ऑडियो क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है नॉइज़ कैंसल हो जाती है इसके अंदर आज ने आजकल देखा ही होगा मोस्टली जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर नॉइज़ नहीं होती है नॉइस कैंसिलेशन नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत कॉमन चीज़ हो गई है तो दैट इज़ ड्यू टू हाई फैटिलिटी सिस्टम ठीक है तो अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपको पता है कि रिमोट से हमारा टीवी चल रहा है यानी कि उसमें से कुछ वेव निकल रही है लेकिन दैट इज़ नॉट विजिबल तो उसको देखने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप क्या करो बल्ब को ना मोबाइल कैमरा के आगे लेकर रखो और उसको प्रेस करो अपना बटन ठीक है तो मोबाइल कैमरा में आपको एक लाइट दिखाई देगी जिससे आपको पता चलेगा कि रिमोट में से भी एक वेव निकल रही है ठीक है वैसे तो इट ति इज़ नॉट विजिबल टू तो अस बट हाँ मोबाइल कैमरा में अगर आप रिमोट चलाएंगे तो आपको उसकी भी लाइट दिखाई देगी तो किन वेव्स के लिए आपकी आई सेंसिटिव है विजिबल रेस के लिए वही नेक्स्ट तो आपके पास फोर्थ आता है दैट इज़ विजिबल वे रेस सो द नेक्स्ट वन इज विजिबल रेस अब ये विजिबल रेस जो है ये बहुत कॉमन है बिकॉज इसी की वजह से यही जो है ये डिटेक्ट कर सकती हैं डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई सबसे पहली बात तो बाकी सब तो हम नहीं देख पाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो दीज आर द वेज डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई इनको हम देख सकते हैं अब इनकी क्या फ्रिक्वेंसी रहती है फोर इंटू टेंडर्स टू पार फोर्टीन हर्ड्स टू सेवन इंटू टेंडर्स टू पार फोर्टीन हर्ट्स यानी कि टू टूपार फोर्टीन हर्ड्स की इनकी फ्रिक्वेंसी की रेंज रहती है और वेवलेंथ की जो रेंज रहती है वो सेवन हंड्रेड टू फोर हंड्रेड नैनोमीटर के बीच में रहती है ठीक है अब इसके अंदर जितनी भी वेव्स होती हैं वो हम हमारी आइज़ में क्या होती हैं विजिबल होती हैं हमारी आइज सेंसिटिव होती हैं इन इस वेव लेंथ में ठीक है जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट रेंज की जो हैं वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाते हैं अब जो जैसे ये स्नेक्स हैं वो इन्फ्रा को डिटेक्ट कर पाते हैं जो हमने पिछले वाली में अभी हमने बात करी थी विजिबल रेंज जो आती है वो कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो विजिबल देख पाते हैं और वही कुछ इंसेक्ट्स होते हैं अल्ट्रा वॉयलेट भी देख पाते हैं जो इससे भी आगे वाली जो आ जाती है जिसमें उनकी फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा हो जाएगी वेव और कम हो जाएगी वो नेक्स्ट आ जाती हैं आपके पास तो ये बहुत फैमुलर रहती हैं जो आइस जो हैं वो आप इनको आप देख सकते हैं राइट right. नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ अब आपके पास आता है अल्ट्रा वॉलेट रेज अब अल्ट्रा वॉयलेट रेज वेरी फेमस है ना छोटे होते से इसके ऊपर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पे लिखते आ रहे हो अल्ट्रा वॉयलेट रेज आती हैं सन से आती हैं और भाई इनको प्रोटेक्ट करना होता है ये ही अगर इनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे स्किन कैंसर कॉज करती हैं आइज कॉज करते हैं ये सब चीज़ें आप लिखते आ रहे हो है ना तो अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशन्स जो होती हैं इनकी जो वेव रहती है वो रहती है आपकी नियर अबाउट फोर इंटू टेन डिस्टू माइनस सेवन मीटर्स या आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो 400 नैनोमीटर्स टू 0.6 पॉइंट ठीक है तो यहाँ अगर मीटर्स में लिखें तो ये आ जाएगा 6 इंटू टेन डिस टू पर माइनस टेन मीटर्स तो ये रहती है इनकी वेवलेंथ की रेंज रहती है ठीक है अब देखो ये जो वेव्स होती हैं ये सन से भी निकलती हैं और जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं लैंप्स होते हैं उन सब से निकलती हैं राइट अगर ये आपकी डायरेक्ट आप इनके एक्सपोजर में जाते हो यू वी रेज आप डायरेक्ट इनके एक्सपोजर में जाते हो तो ये मोर मेलनिन प्रोड्यूस करती हैं ठीक है डायरेक्ट एक्सपोजर डायरेक्ट एक्सपोजर क्या कॉज करता है मोर मैलनिन अब अब आप कहोगे कि मैम ये तो हमने उसमें देख रखा है एड में पढ़ते थे ये सब चीज़ें तो है ना तो स्किन केयर आ गया यहाँ तो तो यहां देखना क्या होगा डायरेक्ट एक्सपोजर मोर अब मोर मैलिन का मतलब क्या होता है कि आपको टेनिंग होने लग जाती है काले पड़ने लग जाते हैं तो केमिकल होता है जिसकी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो आपका रंग काला पड़ना शुरू हो जाएगा जिसको हम टेनिंग भी कहते हैं और कहीं कहीं धाक धब्बे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं तो उस उस एरिया में मेलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है जो ज्यादा एरिया एक्सपोज रहता है यूबी रे से ठीक है तो इसीलिए बोलते हैं ना सनस्क्रीन लगाओ ये सब चीज़ें करो चलो इसमें ऐसा कुछ लिखा तो नहीं हुआ बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ इसलिए बोलते हैं सनस्क्रीन लगाओ यू प्रोटेक्शन है ना पी ए प्लस 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 ये सब चीज़ें उसके ऊपर लिखी होती हैं तो क्यों क्योंकि आपको वो टैन से बचाती हैं यूवी रेज से बचाती हैं ऐसा नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल ही बचा देती हैं बट कुछ हद तक कुछ हद तक होता है ठीक है चलो स्किन केयर की भी बात होगी इसको साइड पे अब लगाते हैं और अब हम बात करते हैं अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन्स की अगर हम बात करें आपने कभी वेल्डिंग देखी है वेल्डिंग होते हुए है ना जब वेल्डिंग हो रही होती है तो वो क्या करते हैं कुछ गॉगल्स वेयर कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसे शील्ड से बना रहे मान लो यहाँ पे ना किसी चीज़ की वेल्डिंग हो रही है ठीक है वेल्डिंग हो रही है यहाँ कोई एक बंदा बैठा हुआ है ठीक है वो आपने आगे ना एक ऐसे सा शीट्स ही लगा लेता है ग्लास सी शीट्स होती है यहाँ पे ग्लास सा लगा होता तो है देखा है आपने कभी वेल्डिंग होते हुए है ना तो इस वेल्डिंग में क्या हो रहा होता है ये जो रेज निकल रही होती है ना ये यू रेज होती हैं वही अल्ट्रा वायल्ट निकल रही होती है वो आपकी आइस के लिए भी बहुत हार्मफुल है ठीक है आइस में भी आपको एकदम से विजन ब्लर कर सकती हैं विजन कंप्लीटली भी जा सकता है ठीक है तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पे ना ग्लास लगा होता है यहाँ पे ग्लास होता है ठीक है क्यों क्योंकि ग्लास के पास एक ऐसी अलग से क्वालिटी है कि अगर आप यूवी रेज ग्लास से निकलती हैं तो ग्लास से उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है कुछ भी हम आपको नहीं पहुंचेगा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो मान लो आप गाड़ी में बैठे हो कहीं आप जा रहे हो गाड़ी में आसपास ग्लासेस लगे हुए हैं वहाँ से जो धूप आ रही है ना उसकी वजह से आपको टैन नहीं होगा ठीक है समझ आई है तो ऐसे ही यहाँ पे ग्लास लगा होता है ये रूवीज निकल रही होती है तो आइज में उसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये ग्लास यूज किए जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से किया जाता है एक तो ये हो गया वेल्डिंग्स के लिए हो गया इसका यूज दूसरा आता है लेसिक लेसिक लेसिक, लेसिक क्या है सुना आपने आंखों का ऑपरेशन सीधी लैंग्वेज में बोल देते हैं डरा देते हैं आंखों का ऑपरेशन ये एक्चुअल में क्या होता है जैसे जब किसी को स्पेक्स uh, लगी होती है अब अभी अगर मैं सोचूं तो आप लोग 16, 17, 18 ईयर्स के होंगे अभी आप है ना इन्हीं रेंज में होंगे हम कहते हैं कि भाई ट्वेंटी ईयर्स तक ना आप अपनी आईज़ को अगर किसी को स्पेक्स लगा हुआ है तो आप अपनी आईज़ का एक रिपोर्ट बना लो जब तक आपकी आईज़ जो होती हैं एक स्टेबल नंबर नहीं आ जाता अभी तक तो नंबर बढ़ता रहता है ना तो जब तक नंबर स्टेबल नहीं होता पिछले छः महीने से साल तक नंबर स्टेबल जैसी हो जाएगा उसके बाद आप जाके आईज का ऑपरेशन करा सकते हो और चश्मा उतर जाएगा ये बोलते हो वो जो आँखों का ऑपरेशन है उसको हम लेसिक कहते हैं अब लेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है लेसिक की फुल फॉर्म होती है लेजर असिस्टेड इन सीतू कैराटोमिलेसिस है ना बड़ा अजीब सा नाम है ना बट कोई बात नहीं लर्न कर लेना वन मार्क्स में आ सकता है इसके अंदर यूज़ की जाती है इसमें क्या होता है अच्छा थोड़ा सा मैं आपके साथ और फैमिलियर हो जाती हूँ <laughs> ये मेरा हुआ हुआ, हुआ है ठीक है मैंने करवाया हुआ है लेसिक तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है आपकी जैसे कॉर्निया आप ऊपर से हटाया जाता है उसके अंदर छोटी सी नैरो सी बीम होती है अब अल्ट्रावलेट रेस जो होती है ना अल्ट्रा वॉलेट रेस के पास जो है वेवलेंथ इनकी इतनी कम होती है जिसकी वजह से नैरो नैरो बीम या फिर नैरो पाथ से भी ये निकल सकती है तो वो रेज आपकी आइज़ में डाली जाती है जिसकी वजह से नंबर जो है वो हट जाता है ठीक है यानी कि आई सर्जरी में भी यूज़ की जाती है क्लियर है ये बात एक तो ये हो गया और अगर हम बात करते हैं वाटर प्योरीफायर उसमें भी यूज़ की जाती है वाटर प्योरीफायर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है वाटर प्योरीफायर्स में क्या अगर आप फ़िल्टर लगाते हो तो तो फिल्टर में क्या निकल आएगा सिंपल जो डस्ट होगी वो निकल आएगी है ना तो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो कैसे मारे जाते हैं अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशन्स उसमें से पास कराई जाती हैं और उसके अंदर से जो जर्म्स होते हैं वो निकल जाते हैं बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है तो वो वाटर प्योरीफायर्स में भी अल्ट्रा वॉलेट रेडिएशन्स यूज़ की जाती हैं ठीक है अब नेक्स्ट आपके पास आती है नेक्स्ट है एक्स रेज लेट अस डिस्कस अबाउट एक्स रेज तो वैसे तो आप लोगों के चैप्टर के अंदर न्यूक्लियर चैप्टर्स जब आएंगे उसके अंदर आप अल्फा बीटा गामा रेज पढ़ेंगे उसमें भी एक्स रेज आ जाता है तो एक्स रेज यहाँ पे आपको सिर्फ इतना भी के लिए पता होना चाहिए कि इनकी जो वेव लेंथ होती है वो निकल के आती है वन नैनोमीटर टू टेंडस टू पर माइनस थ्री नैनोमीटर होती हैं ठीक है ठीके? अब ये जो होती हैं आपने सुना होगा ना कि आजकल एक्स एक्स रे करवा लो मेडिकल एप्लीकेशन मेनली इसकी होती है है ना मेडिकल एप्लीकेशन होती है इसकी कि कहीं कुछ हड्डी में प्रॉब्लम आ गई है ठीक है या फिर कोई अगर स्टोन चेक करना है तो एक्स रेज कराते हैं एक्स रेज कराते हैं है ना तो उस एक्स रेज में क्या होता है अंदर के बॉडी पार्ट स्कैन हो जाते हैं कुछ पता चल जाता है कहीं से हड्डी करैक्ट है वो भी दिख जाती है कहीं पर स्टोन है तो वो भी दिखाई दे जाती है है ना तो वो होती हैं एक्स रेज होती हैं वो इस वेव में काम करती है और अंदर की सारी एक पिक्चर क्लिक करके आपको दे देती है अब ये बनती कैसे हैं ये फॉर्मेशन क्या होती है प्रोडक्शन कैसे होती है इनकी ये एक्चुअल में ना वैसे तो इनके बारे में आप आगे हायर में आप चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ोगे बट अभी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि ये न्यूक्लियस है ठीक है ये होगी पहली शेल हो गई ये मान लो दूसरी शेल होगी मान लो यहाँ पे कोई दूसरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है हम क्या करते हैं बाहर से ना कोई एक ऐसा एक बम्बार्टमेंट कराते हैं कैसे न्यूट्रॉन की हाई एनर्जी से हाई एनर्जी से इसके ऊपर हम गिरवाते हैं इसको ताकि ये क्या हो ये क्या हो ये अपनी एनर्जी छोड़ के ये नीचे आ जाए गिर जाए अब ही वो नीचे गिरेगा अपनी एनर्जी छोड़ देगा अब जो एनर्जी छोड़ेगा यानी कि जो वेव्स निकलेंगी वो क्या होती हैं एक्स रेज होती हैं ठीक है तो एक तरीके से मेटल मेटल के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना उसके ऊपर गिराई जाती हैं वेव्स वो छोड़ के नीचे आता है तो जो उसके अंदर से रेज निकलती हैं वो एक्स रेज होते हैं उनके फिर ऐसे ऐसे आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं वैसे ही जो होते है, हैं ये आपके टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती हैं इसलिए हम ज़्यादा इसके अंदर हम ओवर एक्सपोजर नहीं देते हैं अवॉइड करते हैं अननेसेसरी बट कभी कभी जैसे डायग्नोज करना होता है कोई भी प्रॉब्लम तो उसके लिए ये यूज़ की जाती है ठीक है डिटेल डिस्कस आपको पता ही है मैंने बता दिया कि न्यूक्लियर चैप्टर्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे बाकी रेज के बारे में सब में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है ये सब चीज़ें क्या होती हैं कैसे निकलती हैं आगे हम इनका कहाँ कहाँ फर्दर यूज़ करते हैं ये तो मेडिकल एप्लीकेशन्स होगी हम आगे न्यूक्लियर चीज़ों में इनको कहाँ यूज़ करते हैं वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है नेक्स्ट आपके पास आती हैं गामा रेज तो गामा रेज बहन किसकी है ये अल्फा बीटा गामा ठीक है तो अल्फा बीटा तो यहाँ पे उन्होंने चलो नहीं बताया कोई बात नहीं हम यहाँ पर गामा रेज की सिर्फ बात करेंगे गामा रेज जो है इनकी जो फ्रिक्वेंसी इनकी जो वेब रहती है ये फ्रिक्वेंसी इनकी सबसे ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑसिलेट कर रही है ना ऐसे 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 बहुत फास्ट ऑसिलेट कर रही है वो गामा रेज कर रही है यानी कि इनकी वेव सबसे कम है यानी कि लेस देन टेन टेस्ट पर माइनस थ्री नैनोमीटर ठीक है इतनी होती हैं या आप बोल सकते हो नियर अबाउट टेन टेस्ट पर माइनस मीटर मतलब माइनस मीटर तक की ठीक है इससे लेस देन होती है इनकी तो नैनोमीटर में ये आ गया मीटर्स में ये वैसे नैनो का क्या होता है बताइए मैं तीन चार चीज़ें आपको बता देती हूँ टेन रस्टू पर माइनस नाइन मीटर्स को हम नैनोमीटर बोलते हैं टेन रेस्टू पर माइनस ट्वेल्व मीटर्स को हम पीकोमीटर कहते हैं ठीक है और टेन रेस्टू पर माइनस टेन मीटर्स को हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें रहती हैं आप देख लेना जहाँ जहाँ आपका यूज़ में आ जाए एंगस्ट्रॉम के लिए ये भी यूज़ करते हैं हम वर्ड ठीक चलो ओके okay. तो ये होगी गामा रेस की वेवलेंथ के बारे में बात हो गई ठीक है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं इनको हम बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस में इनकी प्रोडक्शन होती है ठीक है प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे ना कि कैसे कैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं इतनी हाई एनर्जी की रिएक्शंस होती हैं उनमें से जब सब चीज़ें निकल रही होती हैं और वेव्स निकलती हैं जो वेव्स निकल रही होती हैं वो गामा रेज होती हैं ठीक है अब इन ये जो गामा रेज है इनका एक मेडिकल पर्पस भी होता है इनको हम ऐसे मेडिसन्स में यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स आजकल तो हम कहते हैं ना कैंसर का ट्रीटमेंट आ गया है आ गया है तो वो कैसे आया है वो गामा रेज की ही हेल्प से आया है तो इनको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कामारेज यूज़ होती हैं मेडिकल पर्पस भी हो गया इसका और आप इसको कह सकते हो कि हाँ हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो प्रोड्यूस होती हैं और इनको आगे फर्दर हम और रिएक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं जिनकी डिटेल डिस्कस मैंने आपको पहले बताया न्यूक्लियर चैप्टर्स में हम डिटेल डिस्कस इसकी हम करेंगे तो यहाँ कन्वर्जेंस की बात करें तो जैसे हमें पता है फ्रीकवेंसी जो होती है वो होती है आपकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्स किलो हर्ट्स में होते हैं टेन डेज टू पार थ्री हर्ट्स मेगा हर्ट्स में होते हैं टू टेंस हर्ट्स गीगा हर्ट्स में होते हैं टेंडेस्ट टू पार नाइन हर्ट्स तो अब लास्ट में यहाँ पे एक टेबल है आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर टाइप्स की बात हो रही है यहाँ पर वेवलेंथ की बात है यहाँ कैसे प्रोड्यूस होती है यहाँ पे कैसे डिटेक्ट होती है जैसे कि रेडियो वेव्स की यहाँ पर वेवलेंथ है माइक्रोवेव इंफ्रारेड रेड लाइट अल्ट्रा वायलेट एक्सरेज कामारिज इन सब की वेवलेंथ यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके पास होते हैं एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स में आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इनके ऊपर जो आगे के चैप्टर्स में आएगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस तरीके से वहाँ से वेव्स निकलेंगी और वो वेव्स होती हैं ये उनके प्रोडक्शन ऐसे होते हैं और कैसे हम डिटेक्ट करते हैं उनके लिए भी डिफरेंट आपके पास यहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो फोटोग्राफिक फिल्म होती हैं गीगर ट्यूब्स होती हैं आयनाइजेशन चैम्बर्स होते हैं ये सब जो चीज़ें होती हैं ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे आपके पास जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर और आगे डिटेल डिस्कस करेंगे सेकेंड वॉल्यूम में तो उसके अंदर आपको हर एक चीज़ और डिटेल में पता चलेगी तो ये था आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू दैट ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट थैंक यू